घने मुलायम काले बाल, खिले खिले मतवाले बाल, ये सपना हर किसी का होता है। और इस सपने को तोड़ने के पीछे सिर्फ एक कारण जिम्मेदार होता है, वो होता है आपके बालों का टूटना, झड़ना या गिरना। और इस एक कारण की वजह से आपका घना मुलायम काला खिला खिला बाल वाला जो सपना है ना, वो टूट जाता है। तो ऐसा क्या उपचार किया जाए कि ये पूरा सपना पूरा हो जाए, मतलब कि घने भी हों, मुलायम भी हों, काले भी हों और खिले खिले भी हों, और बाल झड़ना गिरना टूटना बंद हो जाए। तो जिस तरह से किसी एक बीमारी का एक इलाज या एक दवा नहीं होती है, उसी तरह से किसी एक प्रॉब्लम का सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं होता है। एक ही प्रॉब्लम के कई अलग अलग तरह से सॉल्यूशंस होते हैं, कई अलग अलग घरेलू उपचार होते हैं, क्योंकि वो सारे घरेलू उपचार अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरह से काम करते हैं। किसी को वो बहुत सूट करता है, किसी को वो बहुत कम सूट करता है, लेकिन खास बात ये होती है कि इन सारे घरेलू उपचारों के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। हेलो माय करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। और अगर आपका भी सपना है घने मुलायम काले बाल खिले खिले मतवाले बाल का, तो ये वाली होम रेमेडी जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि आज जो मैं आपसे होम रेमेडी शेयर कर रही हूँ, एक ऐसा घरेलू उपचार है बालों से जुड़ी जो सभी को सूट करता है, चाहे उन्हें बालों से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि जो मेन कारण है उसको ये जड़ से खत्म कर देता है। तो क्या है ये घरेलू उपचार, मैं आपसे वो बताती हूँ। तो इस घरेलू उपचार को करने का तरीका, पहले बनाने का तरीका बता देती हूँ, फिर अप्लाई करने का तरीका, इसके बाद में बताऊंगी कि ये आपके बालों पे काम कैसे करता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 50 पत्तियां नीम की लेनी है, बड़े साइज की, छोटे साइज की 50 पत्तियां नीम की ले लीजिए। एक कटोरी, इतनी बड़ी कटोरी से एक कटोरी पानी को बॉयल करिए, उन 50 पत्ती नीम को उसमें डाल दीजिए। साथ में उसमें डालिए 2 चम्मच चावल, कच्चे चावल 2 चम्मच डालिए। चावल को धुल लीजिएगा ताकि चावल में जो कीड़े ना पड़े, उसके लिए दुकान वाले दवा डालते हैं ना, उसका असर खत्म हो जाए। तो चावल को अच्छे से धुल करके 2 चम्मच चावल उसमें डाल दीजिएगा और रात भर इसे सोक करके, यानी कि भिगो करके छोड़ दीजिएगा। तो आपने क्या किया, एक कटोरा पानी बॉयलिंग वाटर लिया, उसमें आपने 50 पत्ती नीम की डाली, 2 चम्मच कच्चा चावल धुल करके उसमें डाल दिया, उसे ढक दिया और ढक करके उसे रात भर भिगो के छोड़ दिया। अगर आप संडे को बाल धुलते हैं तो आपको ये काम सैटरडे को नाइट में कर लेना है। आप सुबह उठते ही आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा टाइम तो देना पड़ेगा, अगर इतना बड़ा सपना पूरा करना है तो उसको जो आपने भिगाया था रात भर, उसको पेस्ट बना लीजिए, यानी नीम की पत्ती और चावल का एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो जाएगा। और अगर आपके पास एलोवेरा है तो उसमें 1 चम्मच एलोवेरा मिला लीजिए, ऑप्शनल है, जो बालों की चमक बढ़ाता है, इसलिए उसमें आप एलोवेरा मिला सकते हैं। और अगर एलोवेरा नहीं है तो आप उसमें 2-3 विटामिन ई की गोली मिला लीजिए। अगर विटामिन ई की गोली भी नहीं है तो आप उसमें आधा नींबू गार लीजिए। ये तीनों चीज़ें ना बाल के चमक के लिए हैं, तो ये ऑप्शनल है, ये ऊपर से मिलाते हैं। बेसिक इंग्रेडिएंट क्या है, नीम की पत्ती और 2 चम्मच चावल, उसका पेस्ट तैयार हो गया और ये आपका हेयर पैक तैयार हो गया। तो हेयर पैक को आपने तैयार कर लिया, अब उसको लगाना कैसे है और कितनी देर, तो बाल धुलने के 25 मिनट पहले आप इसको लगा लीजिए। इस पैक को आप 20 से 25 मिनट लगा के बालों में छोड़ सकते हैं। लगाना कैसे है, तो इस पैक को आपको बालों की जड़ों में लगाना है, मतलब ये ऊपर ऊपर से इस तरह से नहीं लगाना, आपको कोशिश क्या करनी है, उस पैक को निकाल के आपको बालों की जड़ों में अंदर इस तरह से लगाना है और लगा के 25 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है। और उसके बाद बाल को नॉर्मल जैसे धुलते हैं आप बाल को धुल लीजिए। बाल को धुलने के बाद आपको फ़ायदा क्या होगा कि नीम की पत्ती जो होती है ना, एंटी फंगल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी इन्फेक्शन होती है। तो सबसे पहले तो आपके स्कल्प पे किसी भी तरह का इन्फेक्शन होगा उसको ख़त्म कर देगा, क्योंकि किसी भी तरह का इन्फेक्शन या कुछ ना कुछ स्कल्प में प्रॉब्लम होती है तभी बाल झड़ते हैं, क्योंकि बालों की जड़ें कमज़ोर होने लगती हैं। तो नीम की पत्ती क्या करता है, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करता है और बालों की जड़ों को आपके स्कल्प में मजबूती देता है, मतलब ये स्कल्प है और ये बाल है तो इस तरह से वो मजबूत बंध जाते हैं ताकि बाल जड़ से ना टूटे। ये नीम की पत्ती की खास क्वालिटी होती है। और आयुर्वेद में नीम की पत्ती को बिल्कुल अमृत तो माना ही गया है, लेकिन नीम की पत्ती को बालों के लिए सबसे बेस्ट माना गया है। तो आपका इन्फेक्शन सर का ख़त्म हो गया, अगर जुएं हैं तो जुएं भी ख़त्म हो जाएंगे, किसी भी तरह का कोई भी स्कल्प में प्रॉब्लम हो उसको ख़त्म करके आपकी बालों की जड़ों को मजबूत करेगा। अब जड़ें मजबूत हो गई, लेकिन इसके साथ साथ नीम की पत्ती के अंदर एक एसेंशियल ऑयल होता है जिसकी खुशबू आप जब वो खाते होंगे तो आपको समझ में आता होगा, बहुत तेज होता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि वो जो एसेंशियल ऑयल है ना, आपके बालों का ये वाला जो पोर्शन है,
इसको मजबूत करता है। आप अपने बालों को इस तरह से खींच के देखिए, अगर ये टूट जाते हैं तो यानी कि आपका ये जो है ये कमजोर है, तो इसको मजबूत कर, क्योंकि बाल, कुछ बाल तो जड़ से टूटते हैं, कुछ बाल बीच से टूट जाते हैं कमजोर होने के कारण। तो जड़ को जितना मजबूत करना जरूरी है, उतना ही जरूरी है आपको बालों को इसको मजबूत करना। तो नीम क्या करता है, उसे मजबूत करता है। अब नीम ने तो अपना काम कर दिया, चावल क्या करता है, चावल जो है वो बालों की डेंसिटी को बढ़ाता है। ऐसा होता है कि बाल जब झड़ जाते हैं, नए बाल उगने में समय लगता है, लेकिन चावल के असर से बहुत जल्दी नए बाल उगाते हैं, यानी कि चावल जो है वो नए बाल को उगाता है, साथ ही साथ आपके बालों की चमक बढ़ाता है, बालों का ग्रोथ बढ़ाता है, यानी कि जड़ से तो नए बाल आ ही रहे, इधर जो बाल ऑलरेडी है उनका ग्रोथ भी बहुत तेजी से होता है, चावल का ये फायदा होता है। तो चावल और नीम का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो बालों के लिए बहुत फायदेमंद है। तो इस पैक को आपको सप्ताह में एक दिन लगाना है, सैटरडे नाइट बनाइए, संडे को अप्लाई करिए, 25 मिनट का टाइम दीजिए अपने बालों को, और आप इसको 4 हफ्ते, मतलब 4 दिन अगर कर लेते हैं, 4 संडे को कर लेते हैं, तो आपको इसका रिजल्ट खुद ब खुद दिखने लगेगा। और आप इसका रिजल्ट मुझसे शेयर ज़रूर करिएगा आपको, क्योंकि ये 100% फायदा करने वाला और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। वैसे बालों से जुड़े और भी ढेर सारी समस्याओं की होम रेमेडीज़ मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसे चाहें तो देख सकते हैं। और आपकी कोई भी समस्या हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछिए, मैं कोशिश करूँगी कि सारे सवालों का जवाब दूँ, सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपसे शेयर करूँ। तो प्लीज़ अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज और इस वीडियो से रिलेटेड अपने व्यूज मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरी फैमिली का परमानेंट मेंबर बनना हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सारी वीडियो अपडेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। और इस पैक को अप्लाई करके ज़रूर ट्राई करिएगा, बिल्कुल बेफिक्र होकर, क्योंकि इसके कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होने वाले हैं। लेकिन इसमें आपको एक बात और ध्यान क्या रखनी है कि हम बाहर से कितना भी कुछ कर लें, जब तक हम अंदर से हेल्दी नहीं रहेंगे तब तक बाहर की कोई भी चीज़ें काम नहीं करेंगी। तो कोशिश करिए कि 1 या 2 नीम का पत्ता शहद या गुड़ के साथ सुबह में ज़रूर खाइए, ताकि जो भी स्कल्प में ब्लड सर्कुलेशन है, स्कल्प में कमज़ोर हो रहे हैं जड़ें, वो अंदर से भी मजबूत हो जाएं। इसलिए नीम का पत्ता 2 शहद या गुड़ के साथ ज़रूर खाना चाहिए। तो चलिए फिर इस पैक को अप्लाई करिए और अपने व्यूज़ मुझसे शेयर करिए।